अब नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो है वॉल्यूम के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ बिगिनर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं नुकसान होने के लिए। लेकिन आप इतना ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करना क्यों चाहते हैं? रीज़न यही रहता है कि जो भी यंगस्टर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनका एक ये सोचना होता है कि किसी तरह जल्दी से जल्दी क्रिप्टो के अंदर पैसा कमाया जाए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ये सोचते हैं। और कुछ लोगों का ये सोचना होता है कि भाई मुझे पहले बहुत ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, तो उस नुकसान को रिकवर करने के लिए इस बार मैं जो ट्रेड करूँगा उससे मैं कुछ ज़्यादा ही फंड डालूंगा और प्रॉफिट होगा, तो मेरा पिछला नुकसान होगा वो भी रिकवर हो जाएगा। और फाइनली कुछ लोग ये सोचते हैं कि जितना जल्दी हो इस मार्केट के अंदर से पैसा कमाया जाए और जल्द से जल्द हम हमारा फाइनेंशियल जो गोल होता है वहाँ तक पहुँच जाएँ। ठीक है, अब इसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जब एक बार आप बड़ी वॉल्यूम के साथ आपको नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो उसके बाद क्या रहता है, आपको बहुत टेंशन होने लगती है, स्ट्रेस होने लगता है कि किस तरह से हम रिकवर करें। और जितना ज़्यादा आपको लॉस होता है उसके ऊपर आपको स्ट्रेस होता है, आप सोचने मजबूर हो जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उस वक्त आप गलत ट्रेडिंग करने लगते हैं, गलत डायरेक्शन में जाने लगते हैं और ज़्यादा आप लोग को नुकसान होता है। अगर हम एग्जांपल भी देखेंगे तो जब मार्केट काफ़ी अच्छा था जैन के आसपास, ठीक है 19,000-20,000 के आसपास था, उस समय क्या हुआ कि बहुत लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया था, ठीक है कि अब और भी ऊपर जाएगा, जब मार्केट एकदम पीक पे था। लेकिन उस समय लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं पता था ट्रेडिंग के बारे में, कि क्रिप्टो कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है, कि ये इतना ज़्यादा पीक पे है, चार्टिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता था, इंडिकेटर्स के बारे में कुछ नहीं पता था। लोगों को बस ये लग रहा था कि बस ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर ही जाएगा। तो उस समय जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, हैवी अमाउंट पे इन्वेस्ट किया है, तो कुछ लोगों ने उसको होल्ड करके रखा है, और जिन्होंने उसे होल्ड नहीं करके रखा है वो नुकसान के अंदर उन्होंने एग्जिट कर लिया है। तो बात आती है कि हमें कितने वॉल्यूम में ट्रेड करना चाहिए, बिगिनर्स हैं या इंटरमीडिएट हैं जो भी है। तो देखिए वॉल्यूम टोटली डिपेंड करता है कि कितना आप रिस्क उठा सकते हैं, ठीक है कितनी आपकी कैपेसिटी है उसके ऊपर है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 100% जो आपके पास फंड पड़ा है तो उसमें से आपको इन्वेस्ट करना है लगभग 25% के आसपास आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, आप इन्वेस्ट कीजिए, फिर देखिए स्टेटस क्या है, फिर आपको लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर आप उसके अंदर वापस से एंट्री लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ लोग ये गलती कर देते हैं कि लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। तो आपने 25% रखा है, फिर आप क्या करते हैं कि आपके माइंड में अलग अलग मैसेज आने लगते हैं कि भाई किसी ने कहा था कि हाँ जब मार्केट नीचे आएगा तो और बाय कर लो, तो एवरेज रेट जो होगा वो और कम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं उसके अंदर और बाय करना चालू करते हैं, हम और इन्वेस्ट करना चालू करते हैं। तो एवरेज करने के चक्कर में क्या रहता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है और ओवरऑल देखा जाए तो हम लॉस में हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप अपना पहले रिस्क फैक्टर देखिए कि आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, और जितना भी आपके पास 100% का जो फंड रहता है तो उसमें से 15-20% जो फंड रहता है आप अलग से रखिए कुछ ऐसे मौक़ों पर जहाँ पे आपको फिर इन्वेस्ट करके आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो जो बिगिनर्स हैं और जो क्रिप्टो को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि आप बहुत छोटी छोटी वॉल्यूम के अंदर ट्रेड कीजिए। इससे ये रहेगा कि आप जब छोटी वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले तो आपको टेंशन नहीं रहता है कि भाई हाँ मुझे इसमें नुकसान हो गया, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत छोटी अमाउंट है, अगर नुकसान हो भी गया तो कुछ चिंता वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि इसमें आपको सीखने को बहुत मिलता है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी समझ आती है कि हाँ भाई ये इस तरह से मैंने स्ट्रैटेजी की थी, ये वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है फिर वापस से आप उसमें थोड़ा और वॉल्यूम के साथ अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके मार्केट को टेस्ट कर सकते हैं। तो छोटी छोटी अमाउंट से जब आप अपनी ट्रेडिंग को टेस्ट करते हैं तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो स्ट्रैटेजी बहुत मजबूत हो जाती है। ठीक है, फिर आपको समझ आ जाता है कि हाँ इस तरह से ट्रेड करना है, फिर आप जो अपनी वॉल्यूम है धीरे धीरे उसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं कहूँगा कि 25% से ज़्यादा एक बार में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आप एक बार 25% इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद मार्केट का ट्रेंड देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, फिर 2-3 दिन के बाद वापस आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, तो आई होप जितने बिगिनर्स हैं उनके कुछ कुछ जो क्वेरीज थी इसके अंदर शॉर्ट हो गई होंगी। और फिर भी अगर आप लोग की कुछ क्वेरीज हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, जो स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, वो प्लीज़ कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए, आने वाले वीडियो के अंदर मैं उसको कवर करूँगा। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और वीडियोस आप लोग तक पहुंच जाएं। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे नए वीडियोस और न्यू अपडेट्स साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।